नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग और लाइव आ जाइए। अजय, पंकज, मोहित, सुरेश, सुनील, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। श्रेया, श्रीजल, सोनल, अश्विनी, आकाश, धीरज, राकेश, मनोज, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि आप लोग देखे होंगे, स्ट्रेटजी हमको बनाना है कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पूरी रीजनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक, हम लोग किस हिसाब से देखेंगे, रीजनिंग में क्या आता है, कहाँ से कितना पूछा जाता है, अगर आपको ये चीज पता है तो आपको तैयारी करने में ज्यादा फायदा रहेगा। कि आप जो है, चूंकि देखिए पढ़ने तो सब लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जो आता है उसे कौन पढ़ता है, ये बात मायने रखती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस पर। केवल आज मैं बताऊंगा कि सिलेबस क्या है और हम लोग जो है आगे कैसे पढ़ेंगे, ये चीज जो है आज हम बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का मतलब मोहित सर किस लेवल तक चलेगी, लेवल की चिंता मत कीजिएगा मोहित। लेवल जो है, आप चाहे एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें और चाहे आप बैंक का एग्जाम दें, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा। और मैं केवल ये नहीं कि मैं आपको कहीं और से क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी आपके पुराने पेपर हैं उन पेपरों को उठा करके उन्हीं से जो है हम पूरा जो है आपकी रिवाइज करवाएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद उस पर जो है सवाल बताए जाएंगे। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के अभी तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को जो है आपको बताया जाएगा। और वैसे तो रैंकिंग की मेरी क्लास पड़ी हुई है रैंकिंग की, लेकिन जो है आज से एक नए सत्र से स्टार्टिंग चलेगी हमारी। तो चलते हैं, सिलेबस पहले देख लेते हैं। आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीजनिंग चाहे जिसमें आती हो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग स्पेशल बैच। तो रीजनिंग स्पेशल बैच जो हमारे सबकी स्टार्ट हो रही है, पूरी फ्री है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इसमें, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप लोगों को देंगे। ठीक, ओके सर, जोड़ेंगे। थैंक यू मोहित, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोगों का अगर ऐसे ही रिस्पांस रहेगा तो हम जरूर जो है आप लोगों को डेली जो है अच्छे अच्छे चीजें उपलब्ध कराएंगे। हमारी जो बैचेज चल रही हैं, आपने शुरू में टाइम टेबल देखा होगा, वही टाइम टेबल आपका रहेगा। तो चलते हैं, जो आपका सबसे पहला टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनता है प्रॉब्लम बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फा बिट्स। ठीक, जो आपके प्रॉब्लम बिट्स ऑन अल्फा बिट्स से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको इस पहले टॉपिक से मिल जाएंगे। अगर आप वहीं बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए इसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, फिर दूसरा टॉपिक जो आता है ऑड वन और देखिए ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब, चूंकि चार विकल्प दिए रहेंगे उसमें हमको ये बताना है कि विषम कौन होगा। ठीक, तो ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपका टॉपिक है, तीसरा टॉपिक आपका रहेगा वर्ड फॉर्मेशन। ठीक, अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो आपका रहेगा नंबर सीरीज पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, फिर डिक्शनरी, डिक्शनरी, फिर
लेटर सीरीज, ये सब जो टॉपिक आपके रहेंगे वो किस में रहेंगे, वो आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में रहेगा, और आखिरी टॉपिक जो रहेगा इसमें का वो रहेगा जंबलिंग। तो ये पांच टॉपिक आपके, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक आपके किस में रहेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रहेंगे। इसमें जो है बैंक में ये और ये, इस दो पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, बैंक में यहां दोनों चीजें से पूछी जाती है, और बाकी अन्य एग्जामों में ये सारा जो है आपका महत्वपूर्ण है। इसी के बाद दूसरा जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में जो आपका है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के बाद आपका आएगा मिसिंग नंबर, फिर आपका आएगा एनालॉजी, एनालॉजी के बाद आपका आएगा ऑड वन आउट। ठीक, ऑड वन आउट के बाद आपका आएगा कोडेड इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है आपके, ये आपके टॉपिक नंबर सीरीज से हैं। नंबर सीरीज से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं प्रश्नावलियों से बनेगा। नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, और कोडेड इक्वेशन हो गए। पंकज पूरा सिलेबस, हाँ पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। अगर आप लोग जो है अपना सहयोग बनाए रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तो आपका सिलेबस जो है पूरा करा दिया जाएगा। तो बैंक में जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपका नंबर सीरीज से बनता है। अगला जो टॉपिक है आपका, देखिए जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 60% जो है आपका इसी दो चैप्टर से आता है, लगभग 60% आपको इसी दो क्वेश्चन चैप्टर से आपको मिलना है। उसके बाद जो आपके हैं वो आपके अन्य चैप्टर हैं, ब्लड रिलेशन, फिर काउंटिंग फिगर, फिर डायरेक्शन, फिर डाइस, यहां तक दिखेगा नहीं दिखेगा। अगला जो 7वां टॉपिक बनेगा आपका कैलेंडर, कैलेंडर के बाद 8वां टॉपिक आपका बनेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, फिर 9वां टॉपिक आपका जो बनेगा रैंकिंग, 10वां सीटिंग अरेंजमेंट, फिर 11वां सिलॉग्स, फिर 12वां बजल, फिर 13वां वेन डायग्राम, फिर 14वां टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट या फिर एजम्पशन। ठीक, तो ये टॉपिक आपके जो है, इतने टॉपिक आपके वर्बल रीजनिंग में है। इसके बाद जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल जो है बैंक में नहीं पूछा जाता है, बैंक में नॉन वर्बल से एक भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक को छोड़कर बाकी और जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो आपकी नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में कौन कौन सा टॉपिक है। पहले आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक पंकज, तो चलिए हम देखते हैं आपका डाइस, ब्लड रिलेशन, डाइस, डायरेक्शन, ये आपके बैंक के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद सीटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वलिटीज
नहीं लिखी गई है, सिरॉक्स पजल। एक एक टॉपिक आप और रहेगा, 15 तभी होगा। इनइक्वलिटीज, ठीक, इनइक्वलिटीज ये भी आपकी बैंक में पूछी जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट एंड एडमिशन, ये भी आपका बैंक में पूछा जाएगा। फिर आगे देखिए, बैंकिंग, ये भी आपकी बैंक में पूछी जाएगी। ये चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम नॉन वर्बल पर डिस्कस करें। देखिए नॉन वर्बल पर जो आप करेंगे, नॉन वर्बल का जो आपका रहेगा वो आपका मैट्रिक्स, मिरर, वाटर मिरर, फिर उसके बाद पेपर एंड कटिंग, फिर इनकम्प्लीट फिगर, फिर एम्बेडेड, उसके बाद के ग्रुपिंग, उसके बाद के सीरीज। ठीक, ये टॉपिक जो आपके हैं ये सभी टॉपिक नॉन वर्बल के हैं और ये जो है बैंक में नहीं पूछे जाते। ठीक, तो ये चीज है, ये था हमारा सिलेबस। तो आज जो है हमारा पहला दिन था, हमने बताया कि केवल आज सिलेबस डिस्कस करना था हमको, ये हमारा सिलेबस था। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ये सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। ठीक, ये सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। और जो टारगेट है इसका, ये टारगेट आपका रहेगा 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका ये सारा टॉपिक कवर कराया जाएगा। क्योंकि हम लोग जॉब 2021 के लिए पढ़ रहे हैं, तो जॉब 2021 टारगेट करके हम पढ़ेंगे और ये सारा टॉपिक जो है हम आपको कवर करवाएंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, वो पहला टॉपिक हमारा रहेगा डाइस। तो कल हम डिस्कस करेंगे डाइस पे, और एक सरल तरीके से। और प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग जो है, अगर किरण पब्लिकेशन की आपके पास हो प्रैक्टिस, तो आप वहाँ से कीजिएगा, पंकज आप वहाँ से कीजिएगा, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारा चीज़ जो है हम भी जो है वहीं से पढ़ाते हैं, किरण पब्लिकेशन से। तो आप लोग जो है लगातार बने रहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।